शुक्रिया जगत जी। साथ ही साथ मैं इस प्रतियोगिता का अंतिम पड़ाव पूरा होते मेघा मुकाबला पहला अंक सुनिश्चित कर लिया है दोनों टीम ने। नंबर चार की तरफ से राइट रेडर और बड़ी खूबसूरती के साथ एक चपलता के साथ तेजी लाई फुटबॉल का मैच अपने चहेते कॉर्नर का चुनाव किया जहां सात खिलाड़ी मैच के ऊपर इस समय कॉर्नर के ऊपर हाथ मेरा सफलता भी हाथ लग गई है खूबसूरती के साथ महत्वपूर्ण सुनिश्चित कर गई। दूसरा अंक अंकन हो रहा है इस समय वो है हर माथा के पाले में साथ ही मुकेश और नंबर 12 की जर्सी पर इस समय सात का ओड हो रहा जहां दोनों की चैन बंदी दोनों कॉर्नर की जोड़े और बहुत दो जोड़े साथ में सेफ एडम से रखा नंबर 4 की जर्सी को इस तरह डिफेंस सजा करके रखा है और उसी पर की टीम दूसरी ओर खुदो पारा इस समय एक अंक पीछे पा रही है अपने आप को। फाइनल का मुकाबला वो मेघा मुकाबला इतनी बड़ी मंच और बनेगा सरपंच इस मुकाबले में ये तो तय होना बाकी है इस बार गलती हो गई अब गलती कर बैठा गलती कितने हद तक का छोड़ेगा महत्वपूर्ण दो पॉइंट के साथ एक बोनस के साथ सुनिश्चित हुआ इस समय अब कहीं जा करके वो फासले बढ़ते नजर आ रहे हैं यहाँ एक और पांच के मुकाबले यहाँ से डिफेंस में गलती इतने मुकाबले होने की जरूरत है नहीं और मेघा मुकाबला है वो फाइनल मुकाबला है फाइनल पंगा इस समय दो टीम आपस में भिड़ंत हो रही है जहाँ पर बिलासपुर दरभंगा की टीम दूसरे ओर कोरबा लगातार उस संयम होती जा रही है इस समय मनीष एकेडमी की टीम जहाँ पर पहला स्थान सुनिश्चित कर लिया है प्रतियोगिता में तीन दिवसीय कबड्डी का प्रतियोगिता जहाँ पहला पुरस्कार का हकदार जिसके सर पर सहरा सजा पहले स्थान का वो है खुर्र पार उनकी जूनियर टीम इस समय फाइनल मुकाबले में भिड़ंत हो रही है एक छोर पर बारभाटा की टीम और दूसरे छोर पर खुर्र पार जूनियर जहाँ मनीष भाई की जर्सी मुकेश इस समय पहाड़ पर और अंत में खाली ही खींचा सात और दो मुकाबले फासले महत्वपूर्ण पांच अंकों का सुपर टेकर का मौका क्या भुनाएगा साथ ही साथ ऑल आउट की दहलीज की ओर भी धकेल रही है इस समय वो है नंबर चार की तरफ से राइट के रेडर छोर बदला रेडर में छोर बदलने के साथ थोड़ी सी उड़ान काम जरूर है डिफेंस ने खींचा गेंद अपने आप को और खींचने के साथ इस मरतबा का ड्राइव के साथ पूरा करते प्रयास लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं अंत में खाली खींचा रेडर ने सुरक्षित ढंग से
दो और अभी भी बने हुए हैं हिमाचल को, लेकिन थुरु पारा है और थुरु पारा मजी हुई टीम भी है। जिस तरह से हर होता अपने आप को सेट करके रखा, सजा के रखा है डिफेंस में, वो कतई एडवांस टेकल के लिए आगे रही है और वो देख रही है कि इस बार सुपर टेकल का मौका क्या बनाएगा वहां पर से। हर राउंड अपने साथ कोहर के ऊपर फिंगर टच खूब चोटी के साथ नंबर एक की जर्सी स्वीकार लिया गया है। स्वीकारने के साथ वो आसमानी उंगलियां भी बहरहाल इस समय टाइम आउट का मुझे संपर्क में हुआ और संपर्क होने के साथ भी नहीं रहा रात के लोग आ गए खाली खींचा टाइम आउट बुला लिया है यहाँ पर।
यहाँ पर टाइम आउट के बाद दो आउट आए, इनसाइडर रेड नंबर 11 की जर्सी इस समय, और नंबर 11 की जर्सी नंबर 8 की जर्सी, 4 का डिफेंस होना साफ है, अब यहाँ से अंक निकालना होगा, अब निकालने के बाद बनेगी काफी अंदर गए अंक पर 14 अंक पर फुर्तुपारा की गई। मुकेश
यदि मुकेश को पहले अंदर रास्ता दिखा जाती है और वहां था तो मौके कुछ अलग होंगे और क्या इस इरादे के साथ टेबल पर जाएंगे। मुकाबले 17 और 17 के मुकाबले मुकेश
नंबर 12 की जर्सी पर पांच खिलाड़ी हैं। जिस तरह से चरमराया इसे खींच गई है और बैठा अपने संयम बटन करके चले, संयम खींच के रखे और मेगा मुकाबला है और जितने देर आप अपने संयम बरत के चलेंगे उस उतावलेपन से वंचित रहेंगे तब तक वो सहेजने का काम होगा। करने के बजाय डिफेंस को सहेज कर तो नहीं रखना जरूरी होता है, लेकिन कबड्डी के खेल में अपने आप को पीछे आ रही है। इस समय पीछे क्या बराबर का मुकाबला है, लेकिन वो डिफेंस इस समय खिलाड़ी पर है बरभाटा के कोर्ट पर, जहाँ पर इस समय खुले पर छह खिलाड़ी और बोनस ऑन है। अंत में खाली ही खींचा, अंतिम सेकंडों का खेल 17 के मुकाबले अभी तक टाइम में चल रही है मैच, और टाइम में चलने के साथ साथ कुछ अंतिम समय की ओर भी अग्रसर हो चले हैं। मिनटों के साथ अब सेकंडों में आ गए हैं और जहां पर लगातार उस सेकंड की कमी नजर आ रही है और मुकाबले में अपने आप को सहेजने की जरूरत है। अंतिम रेड क्या वर्धमान का होगा ये देखने वाली बात होगी। 17 और 17 के मुकाबले